राजा होता है, एक राजा के दरबार में एक आदमी आता है, बोले यार मेरी नौकरी लगवा दो ना। क्या बोला? मेरी नौकरी लगवा दो। तो बोले यार तेरे में क्या खासियत है? बॉस मेरे में जो खासियत है आपके पूरे दरबार में किसी के पास नहीं है। अच्छा। बोले क्या है? बोले मैं चाहे जानवर हो कि चाहे आदमी हो, उसकी शक्ल देख के मैं बता देता हूँ कि ये कैसा है। अच्छा। हाँ, ये उसकी शक्ल देखता हूँ ना तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि वो कैसा है। तो बोले यार रखो। राजा भी क्या करो, चलो यार एक आदमी का तजुर्बा लिया जाए। उसका जो घोड़ा का जो अस्तबल होता है ना, उसको मैनेजर बना देता है कि तू इसको पूरा संभाल। तो वो घोड़ों के अस्तबल का जब मैनेजर रहता है, थोड़े दिन बाद राजा को बुलाया उसको। राजा का एक बहुत पसंदीदा घोड़ा होता है, जबरदस्त। बोले यार देख ये मेरा घोड़ा है ना। बोले साहब आपका घोड़ा नस्ली नहीं है। अच्छा। बोले यार मैं करोड़ों रुपया लाखों रुपया खर्च करके इसको लाया और तू बोलता है ये नस्ल वाला नहीं है। बोले विश्वास नहीं होता है उसको। क्या करता है वो? वो बुलाता है जिसने उसको घोड़ा बेचा था ना, उसको बुलाता है। बोला तेरे को मार डालेगा, तू है सो बात बता। ऐसा बात ये थी कि इसकी बचपन में घोड़े की माँ मर गई थी, उसको जिंदगी भर है ना गाय का दूध पिलाया था, इसलिए वो। तो बोला तेरे को कैसे मालूम पड़ा? ऐसा जब ये नस्ली घोड़ा होता है ना तो मुंह में घास लेने के बाद ऊपर ऐसे मुंह करके खाता है, और ये गाय की तरह मुंह नीचे कर करके खा रहा था। तो ये साला नस्ली नहीं है। बोले यार ये तो आदमी जोरदार है, कमाल है यार। अब उससे रहा नहीं जाता है। तो वो दूसरे दिन बोलता है, दो तीन दिन बाद, एक काम कर, हमारी रानी जी कैसे खानदान से, अच्छा। यार इतने चंद्रपुर के बहुत बड़े महारानी से वहां से लेके आया हूँ, ये कैसी है? बोले ठीक है सर। अच्छा। वो थोड़े दिन बाद उसका करके बोला अभी बताओ हमारी महारानी कैसी है? बोले साहब खता माफ हो। बोले क्या है? ये साहब ये है ना खानदानी नहीं है। बोले क्या है? बोले ये खानदानी क्यों नहीं है? के साहब ये जो अपने स्टाफ के साथ जो बर्ताव करती है ना, उनको जो गाली गलौज करती है ना, वो एक खानदानी लेडी है ना। कोई खानदानी लेडी ऐसा नहीं करेगी, ऐसा नहीं करेगी। वो जिस ढंग से बात करती है ना, तो बोले उससे रहा नहीं जाता है, उससे रहा नहीं जाता है। तो साला बुलाता है उसकी जो सास होती है ना। बोले देख तेरे तू जो है सो बात बता। कैसा माफी चाहती हूँ, मेरा क्या आपके फादर का जो राजा महाराजा और मेरे हस्बैंड का दोनों का दोस्ती था, और दोनों का एक सेटिंग हुआ था कि आपका लड़का लड़की शादी हो जाएगी। अच्छा। पर मेरी बच्ची तो 6 महीने में मर गई, और अभी मैं आप लोगों से रिश्ता रखना चाहती थी तो मैं किसी और के उठा के लाई थी। तो वो है ना, वो ये है, बाकी है सो जो है सो बात। ये क्या राजा जितनी बार खुश होता है ना, इसको भेड़ बकरियां मुर्गियां देता है। जितनी बार लास्ट टाइम भी जब खुश हुआ घोड़े वाले केस में, तभी भेड़ बकरियां मुर्गियां दिया। इस बार भी उसको बहुत सारी भेड़ बहुत सारे गिफ्ट दिया इसको। अब वो थोड़े दिन बीता और उसको बोला क्या सर, उसको खुद के ऊपर तो था कैसा, मेरे जैसा राजा महाराजा कोई? बोले सर मेरे लिए बताओ। बोले साहब सब बता दूंगा, मेरा जान की सलामती चाहता हूँ। क्या बोला? जान की सलामती। बोले यार जान की सलामती चाहता। बोले दे दिया, दे दिया। थोड़ी देर बोले सर आप राजा की औलाद तो नहीं हो। बोला दादा क्या बात करता है? अब उससे रहा नहीं जाता, वो जाता अपनी माँ के पास। माँ कैसे बात बता कि देख बेटा हमारा बच्चा नहीं था, बचपन में छोटा बच्चा था, तो हमने एक जो चरवाया होता है ना उसके बच्चे से बच्चा मांग के लाया था। हमारे को राजकाज पूरा संभालना था, तो हमको राजकाज संभालना था, तो उसके चक्कर में बच्चा उठा के लाए थे। और साला उसके लिए बोला तेरे को कैसे मालूम पड़ा? कि साहब जब भी आप खुश होते हो ना, राजा महाराजा क्या खुश होते तो हीरे के मोती देते, आप साला मुर्गिया और भेड़ हो, आप रियल खानदानी आदमी तो नहीं कर सकता है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि आदमी साला कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी पावरफुल हो, कितना भी हो, पर उसका व्यवहार है ना बता देता है कि वो एक्चुअल खानदानी है कि नहीं। वाह, ये तो क्या है, जब ऊपर का जो तमाशा है ना वो तो चलता रहता है। की बात बोली।